शिक्षा के लिए 1999 में स्कूल प्रारंभ हो गया था। उससे पूर्व यहाँ पे मोहनलाल जी जो लोक जिम्मिस कार्मिक के रूप में काम करके बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। गांव का हर व्यक्ति स्कूल से जुड़ा हुआ है, किसी से भी बोल दें तो वो अपना काम समय पर ला के करता है। पहला काम तो मतलब हर इंसान का तो शिक्षा से जुड़ना चाहिए। पहला काम शिक्षा जो ऐसी चीज है जो हर चीज़ में काम आती है। अगर मान लो शिक्षित है तो उसमें तो रात दिन का बल ही होता है साहब, अंतर तो है ही सही। पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ में तो अंतर है ही सही। सुबह ही नहा धो के निकल जावा था, वहाँ साफ सफाई करके भगवान को नुआ दे वहाँ था, वो अगरबत्ती वगरबत्ती लगा लगो और धंधे पानी से लग जावा वहाँ। फिर देखो बाद में 12:30 बजे खाना खिला के और वापस आ जावा था। और इतना बच्चा बच्ची खाओ थे स्कूल में, खाई भी ना हो तो पहले पढ़ाई लिखाई खाँ ऐसा। और अब तो अपन ये भोजन मिलवा से सब स्कूल पे जुड़ गया। भाई आपने लेकर न्यू थोड़ी तक ये और का बच्चा बच्ची चे और खाई चे और खाई ने अब अपना ही बच्चा बच्ची समझ रहा क्या था अपन ने। तो देखो सेवा तो सेवा ही हो चे। तो मैंने देखा भाई यहाँ अक्षय पात्र से भोजन आता है तो अच्छा आता है। जो बाइयाँ वगैरह लगी हुई हैं वो आती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं रेस्ट में और ठीक आता है खाना। बच्चों को फल भी मिलते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको पोषण मिलता है। जैसे बच्चे मजदूर वर्ग से ज़्यादातर आते हैं गाँव में बच्चे, तो उनके घर का स्तर थोड़ा हल्का है तो वो यहाँ पर खाना वगैरह मिल जाता है तो उनके पोषण तो मिलता ही है उनको, अच्छा है। और पढ़ाई के लिए भी एनर्जी मिलती है उनको, ठीक है। शिक्षा से जोड़ने के लिए या किसी भी काम से जोड़ने के लिए आप शिक्षा को ही क्यों ले रहे हो, अन्य काम से भी लो, तभी भूखे भजन तो होता नहीं है गोपाला। अब बच्चों को जब भोजन मिल रहा है तो बच्चों को तो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है कि अपन को पढ़ना ही है यहाँ पे।